ये देखिए आज हम गोभी बोने वाले हैं। और ये देखिए परमात्मा देव जी के यहाँ से ये नर्सरी से हो गए गोभी के पौधे लेके आए हैं। और ये वो जमीन है जिसको हम तैयार करने वाले हैं फावड़े से। अच्छा हम अनुभव ले रहे हैं, हम अनुभव आया धीरे धीरे। आओ। और रात के बज रहे हैं 10, लेकिन धूप बहुत रहती है दोपहर में, तो सुबह न लगा के इसको रात में हम लोग लगाने वाले हैं। अब चूँकि निकालने का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी एक आध निकाल के दिखाते हैं आपको पौधा। ये देखिए एक तो पानी डला है तो पौधे बड़े मुश्किल से ऐसे निकलेंगे, वो बड़ा मुश्किल है। गीले थे थोड़ा, फिर भी ये लीजिए आधा ही निकला, लेकिन इसकी जड़ें देखिए आप, चारों तरफ से जड़ें हैं। नीचे है ना, नीचे दबाना है ऐसे ऐसे, फिर उसको क्योंकि ये गीले है ना थोड़ा, तो अच्छे से निकल नहीं पा रहे, नहीं तो निकाल दिया उसमें कम पानी होगा फिर। ये देखिए जड़ें भी उसमें रह रही हैं। ये देखिए पूरा पौधा निकला है, दिख रहा है अच्छे से पौधा। ये देखिए निकाल दिया, उसमें पानी की मात्रा कम होगी फिर। ये जो पौधे दे रहे हैं हमें छोटे भाई सिब्बू हैं, छोटे भाई हैं लेकिन लंबाई इनकी 6 फुट 2 इंच का है सिब्बू। और ये हमारे छोटे भाई कित्तू राजा हैं, कृतज्ञ राजपूत, भविष्य के MBBS डॉक्टर हैं, और जो अभी पौधे लगा रहे हैं दाहिने हाथ तरफ। और छोटा भाई सत्यम है जो इस समय 9th क्लास में है। सिब्बू कहाँ से लगा, अरे यार सिब्बू चार रखे, 2-3-4 गलती कर रहे ना तुम, लगा कौन सा पानी अभी देने लगे, चारों ऐसे रखे जो लगो ना, जो रखो जो रखो जो रखो रखो। अरे ये वाली लाइन तो बिल्कुल मिट्टी सी है, साइड से कर दो है, अब जाओ तब तक इस वाली में डाल दे। इसी वजह तो किया है हमने। ये वाली नहीं ओवरफ्लो होगी सर, तो बस टाइम दो वहाँ तक तो पानी पहुँचेंगे। स्लीपर भी छप जाएगी, गर्मी पड़ेगी बाद में। ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ से भी भारत। अच्छा तो चलिए, ये अगर ब्लॉग आपको पसंद आते हैं जो कि हमारी लाइफ की रोज़मर्रा की चीज़ें होंगी वो, हाँ का बंद करवा दूँ तो वो इसमें आपको दिखती रहेंगी। भले ही आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो हमारी रोज़मर्रा की जो लाइफ है वो तो हम वैसे भी खुद की यादों के लिए डालते रहेंगे। थैंक यू।